बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को लेकर आज भी हलचल रहने वाली है। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें आरोप लगाया गया है कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के काम में अड़चन डाली। थोड़ी देर में यह सुनवाई शुरू हो जाएगी। कल बग्गा को लेकर तीन राज्यों की पुलिस का टकराव भी देखने को मिला था। पंजाब पुलिस दिल्ली से बग्गा को लेकर मोहाली जा रही थी लेकिन बीच रास्ते में हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। बाद में दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर आई और इस पर सियासी घमासान भी जारी है। तो वहीं एबीपी न्यूज से बातचीत में बीजेपी के नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने कहा कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त तेजिंदर बग्गा एबीपी न्यूज के साथ बैठे हैं और बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आज? देखिये, मुझे लगता है कि कल लोकतंत्र की जीत हुई और जिस तरीके से हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस ने साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी मीडिया कर्मियों का जिन्होंने पूरे दिन इस खबर को इस प्रकार से चलाया कि पंजाब पुलिस को हाथ पीछे खींचने पड़े। ऐसा कैसे हुआ बग्गा कि पहले तीनों राज्य की खाकी आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म नहीं करती है, फिर आपको आपके घर से उठा करके लेकर जाया जाता है, हरियाणा में आपको रोका जाता है और वहाँ से दिल्ली पुलिस देर रात आपको रिलीज करा देती है? देखिए, क्योंकि जो पंजाब पुलिस की किडनैपिंग थी वो इलीगल थी। पंजाब पुलिस के जितने भी पुलिसकर्मी थे 90% सिविल में थे, उन्होंने कोई नोटिस नहीं सर्व किया था, लोकल थाने में इन्फॉर्म नहीं किया। तो जिस तरीके से ये सब घटनाक्रम हुआ, जो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, एमएम से परमिशन लेनी पड़ती है, आपको वारंट दिखाना पड़ता है, तो एक आतंकवादी की तरह इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की कि आपके घर में 15 लोग घुस जाते हैं, आपको जबरन उठाते हैं, आपको चप्पल पहनने का, सिर पे पगड़ी पहनने का मौका नहीं देते हैं। तो ये एक अवैध तरीके से जो भी गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से कोई आतंकवादी होता है, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल अगर सोचते हैं कि वो इस तरीके की चीज़ें करके हमें दबा लेंगे तो हम दबने वाले डरने वाले नहीं हैं। इसका बिल्कुल उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसार को झूठा बोला था, उनको माफ़ी मांगनी होगी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो चुनाव में कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे को जेल की सलाखों में डालेंगे, वो डालना पड़ेगा। तब तक हमारी लड़ाई जारी है। आपको 5 नोटिस दिया गया, आपने एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया और इसी वजह से ये कदम उठाना पड़ा? मैंने 5 नोटिस का जवाब दिया और 2 नोटिस में मेरे वकील खुद वहाँ पे प्रेजेंट रहे, बाकी उनको मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और बाय पोस्ट, तीनों हर नोटिस का उनको जवाब दिया गया। तेजिंदर बग्गा को जहाँ तक मीडिया जानती है, आप इस तरीके से तो चुप रहने वाले नहीं है, इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो दिखने जाएगा। एक बड़ा सवाल ये है कि आपको गुंडा कहा गया है, दंगा भड़काने का आरोप आप पर है, हिंसा भड़काने का आरोप आप पर है और खुले तौर पर है। जिस पार्टी के अंदर अब्दुल्ला खान जैसे नेता हो, ताहिर हुसैन जैसे हीरे हो और जिस पार्टी की एक नेत्री हरियाणा में 2 दिन पहले 5 साल की जेल में निशा सिंह गई हो, जो अरविंद ये मनीष सिसोदिया की सहयोगी हो, उनके असिस्टेंट हो, मुझे लगता है कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर दूसरों को बोलना चाहिए। तेजिंदर बग्गा लगातार सीएम से चुनौती ले रहे हैं, दिल्ली के सीएम से, दिल्ली में रहते हुए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बदले की राजनीति है जिसके आप शिकार? निश्चित रूप से, चाहे वो मेरे ऊपर FIR हो, चाहे नवीन कुमार के ऊपर FIR हो, प्रीति गांधी पे हो, कुमार विश्वास पे, कांग्रेस की नीति अलका लांबा पे, बेशक वो दूसरी पार्टी से है, लेकिन मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस भेजूंगा, तुम्हें अरेस्ट करूंगा, लेकिन इस तरीके से वो डरा नहीं सकते। ABP News आपको रखे आगे।